हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी 10 में। दोस्तों, वैशाली ठक्कर जो कि फेमस टीवी एक्ट्रेस थी और साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया। एक तरफ जहां उनके पास नेम एंड फेम और मनी सभी कुछ था, वहीं दूसरी तरफ वो अचानक से खुदकुशी कर लेती हैं। तो हर एक ये जानना चाहता है और साथ ही उनके फैंस भी कि आखिर वो क्या वजह थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, बताएंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर पूरा जरूर देखिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिएगा अगर आपको रियल स्टोरी जाननी है तो। दोस्तों, वैशाली ठक्कर की आत्महत्या के बाद बरामद हुए सुसाइड नोट से ये पता चला है कि उन्हें उनका एक्स बॉयफ्रेंड परेशान करता था। ये रिश्ता क्या कहलाता है और ससुराल सिमर जैसे टीवी शोज में पॉपुलर हुई टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने शनिवार को अपने होम टाउन में सुसाइड किया है। वे पिछले एक साल से अपनी परिवार के साथ इंदौर में रह रही थी और 29 साल की वैशाली का शव इंदौर की साईं बाग कॉलोनी में उनके घर पर मिला। पुलिस के मुताबिक वैशाली ने फांसी लगाई है और साथ ही उनकी आत्महत्या के पीछे वजह उनका एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस ने ये भी बताया है कि एक्ट्रेस के घर से मिले सुसाइड नोट के मुताबिक वो कई दिनों से परेशान थी और उनका एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें तंग कर रहा था। पुलिस की ओर से ये भी बताया जा रहा है कि वैशाली का लव अफेयर था जो कि अब खत्म हो चुका था। साथ ही दोस्तों, उनके सुसाइड नोट में एक शख्स का नाम भी लिखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों, सामने आई जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2021 में वैशाली ठक्कर ने सगाई भी की थी। उन्होंने अपनी रोका सेरेमनी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था और फैंस को अपनी सगाई की खुशखबरी देते हुए वो बेहद खुश भी थी। वैशाली की सगाई में उनका परिवार और करीबियों ने शिरकत भी की थी। हालांकि एक ही महीने के बाद ये सगाई अचानक से टूट गई और बताया जा रहा है कि वैशाली ने ही अपनी सगाई तोड़ दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अब अपने मंगेतर से शादी नहीं करेंगी और शादी कैंसिल करने के बाद वैशाली ने अपने रोका सेरेमनी का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि वैशाली ठक्कर ने साल 2013 में ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने कई सारे सीरियल्स में काम किया। वैशाली अब तक कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। इनमें से प्रमुख हैं आशिकी, ससुराल सिमरन का सुपर सिस्टर, लाल इश्क और विश। वो मूल रूप से उज्जैन के महितपुर इलाके की रहने वाली थी और परिवार के साथ करीब एक साल से इंदौर में रहती थी और उन्होंने एक साल से अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक लिया हुआ था। वैशाली के पिता का इंदौर में लकड़ी का कारोबार है और उनके परिवार में पिता और उनका छोटा भाई भी है। दोस्तों, इस सुसाइड के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये सुसाइड रात के 12 बजे किया गया है और साथ ही सुसाइड नोट से साफ साफ पता चलता है कि वैशाली अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही परेशान थी, तो यही वो वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा और शायद यही वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सगाई भी एक ही महीने के अंदर तोड़ दी। बाकी दोस्तों, आगे मांजरा क्या है इसकी तफ्तीश अभी पुलिस कर रही है। वैसे सुसाइड नोट से ये सब क्लियर हो जाता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से ही परेशान थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वैशाली ठक्कर ने जो स्टेप उठाया क्या वो सही था या गलत, या फिर उसे कुछ और स्टेप उठाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हमारे न्यू एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड फैक्ट्स वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्स टीवी 10 को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।